परी, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? फिक्र नहीं करो आप ही, मैंने कुछ डाका साका नहीं डाला, बस अपने पैसे हैं मेरे। हाँ परी, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रकम है और तुम्हारे भाइयों ने तो इसका हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। सलीम भाई, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रकम से आपका डूबा हुआ कारोबार फिर से अच्छी तरह जम जाएगा और आप दोनों की परेशानियां दूर हो जाएं। सिर्फ दरख्वास्त है तो कोशिश कीजिएगा ये अपने घर में किसी को ना पता चले इस बात का। बस मैं चाहता हूँ आप दोनों खुश रहें, ये मेरा मकसद है। जो समझे कि हमने आपका हक अदा कर दिया। अच्छा, मुझे इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज। रुको परी, मैं ये पैसे तुमसे तब तक नहीं लूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि आए कहां से। वर्कशॉप से तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं मिल सकती और ना ही कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें इतना बड़ा उधार दे सकता है। कहीं तुमने कोई जुर्म? गरीबों का जुर्म भी गुर्बत से भरा होता है आप ही। उससे अपने जुर्म की भी इतनी बड़ी रकम नहीं मिलती। तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अपने लफ्ज बेचे हैं। वो किताब जिसके लिए आपने मुझे खाली रजिस्टर दिए थे ताकि मैं उन्हें लिखूं, वो किताब मैं लफ्जों के सौदागर की दुकान पर बेचाया। वो किताब नहीं आई, मगर मुझे इस बात का इत्मीनान तो होगा ना कि अब मेरी बहन को लावारिस होने के ताने नहीं देगा। उसे रोज रोज घर बदर होने की धमकी नहीं मिलेगी।